या तो ये मंडी वालों को कह दो भाई तुम जाओ थोड़ा फूस जाना है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, फूस के ढेर लगे पड़े हैं। हमारा ब्याज कौन देगा? जमींदार का ब्याज देगा कौन? क्या करें हम? जमींदार भी भड़केंगे, एक एक बिंदा पेमेंट दोगे जमींदार कहाँ जाएंगे? तो नंबर एक, इस मंडी का किसी को नहीं पता ये मंडी कैथल में है, क्या करें हम? हमने अधिकारियों को भी कम्प्लेंट कर दी, प्रशासन को भी, मैं ये विस्फोट सामग्री है जिसमें एक चिंगारी लगी सारी मंडी को स्वाह कर सकती है, कोई सुनाई नहीं है। ये प्रशासन का काम है, इसका ठेका जो है मार्केट कमेटी देती है। या तो ये मंडी वालों को कह दो भाई तुम जाओ थोड़ा फूस जाना है, फिर हम मंडी खाली करा लेंगे। जे हम उठवाते हैं तो ठेकेदार आके लड़ता भी, मैंने तो ठेका दे रखा है, कैसे काम चलेगा? उसके बाद 3 तारीख से लेके आज तक कोई पेमेंट ना जमींदार के अकाउंट में आई है ना आरती के अकाउंट में। जमींदार ने अपनी बजाई भी करनी है, खर्चा भी चाहिए, तेल है, किसी का उधार देना है, कहाँ से लाए? जमींदार तो आके आरती को कहता हमारे पैसे दे, भाई तेरी जीरी लेगी गवर्नमेंट तेरे फेंकेगी जब तेरे खाते में, तो बताओ हम करें क्या? गवर्नमेंट तू तो दावे करती है 72 गत्ते पहली पेमेंट नहीं आ रही। जब हमारी पेमेंटें आई हमारे से ब्याज काटा गया, किसान के खाते में आज तक ब्याज नहीं पहुंचा, वो पैसा कहाँ? हमारा ब्याज कौन देगा? जमींदार का ब्याज देगा कौन? क्या करें हम? समस्या ही समस्या है। तो सफाई, कई बार प्रधान जी अधिकारियों से बहुत कुछ प्रार्थना कर ली हमने, उठा दो, कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पेमेंट का है जमींदार, कल हम DFS साहब से मिले थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं है। कहते मेरे पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ताकि मैं खोज सकूं कि किसकी पेमेंट जा चुकी। ये ऊपर से चंडीगढ़ वाले को पता है किस आईडी पर डालते हैं, क्या करते। एक तो मंडी में जी बहुत बुरा हाल है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, फूस के ढेर लगे पड़े हैं, और कोई सारा सीजन हो गए, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई अफसर नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना मात्र के है कि है या नहीं है। खरीदने का के बने? तरावड़ी के पीछे गुड़गांव में भेज दिए। खरीदने का के बने? उनके जमींदार तो बना दिए बेचारे बेरोजगार सारे। खरीदना के मारे पीछे तो जमींदारा के हैं, जमींदारों के पास जाने चाहिए। जमींदारों में तो कोई पीछा है नहीं रहा, बेरे नहीं कहाँ दिखा रही है कहाँ। नंबर एक, इस मंडी का किसी को नहीं पता ये मंडी कैथल में है या नहीं है, ना कोई अफसर आके पूछता के हो रहा के नहीं। हाँ हमने वहाँ जाना पड़ता है, जब वहाँ से टाइम लगा जी पुरानी मंडी प्रधान जी वहाँ जो अफसर बैठे हैं, तो क्यों यहाँ मंडी बसती नहीं आ रहा है? जमींदार भी भड़केंगे, एक एक बिंदा पेमेंट दोगे जमींदार कहाँ जाएंगे? 72 घंटे में लेबर के कौन देगा?